यस सर आ रही है। चलिए तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आप सभी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आज कंप्लीट करेंगे, जिसका जो भी क्वेश्चन डाउट हो बता देना। यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जिसका नहीं हुआ हो प्लीज, जिसका नहीं हुआ हो या तो वो मैसेज कर दे या मुझे मतलब बोल दे, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, हाँ सर हो गया। सर हो गया, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा सुनो, किसने नहीं करे एक बार ये बता दीजिए। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक सेकंड बेटा, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ किस किसने क्वेश्चंस नहीं करे हैं, मुझे ये बता दीजिए एक बार। हेलो, यस सर अब आ गई। हाँ स्पर्श बेटा, यस सर करे थे क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी से 3.3 एक्सरसाइज के। यस सर। शिवम, हेलो yes, सुनो अब मैं ना अभी सुनो, शर्माने की जरूरत नहीं है, जिसने नहीं करे हो मुझे बता देना, ठीक है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। यस सर। फिफ्थ का सेकंड पार्ट हो गया। यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। यस सर। सेवंथ क्वेश्चन हो गया। यस सर। एट्थ हो गया। यस सर। सर मुझे एट्थ समझना है। एट समझना है, ठीक है। तो एक बार को बेटा जी ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जैसा आपकी आप सभी को दिख रहा होगा, दीदी ने क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन बोला है, दीदी क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स, cos pi by 2 plus x, sin pi minus x, cos pi by 2 plus x। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है बेटा जी? हाँ जी। और हमारे को प्रूफ करना है cot square x। करूँ स्टार्ट बेटा? हेलो, ठीक है बेटा, जरा ध्यान से समझना। cos 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पाई प्लस 0 डिग्री, पाई, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट, एड और शुगर टू ऑफ, यस टेन और कॉट। तो और कॉस क्या होगा इसका मतलब, यानी कि कॉस नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने, ये कॉस का कॉस रहता है अगर 180 और 360 का यूज करते हैं, और 90 का यूज करते हैं तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, डन। अच्छा एक और चीज, अब क्या कॉस का नेगेटिव बाहर आता है? नो सर, कॉस और सेक के नेगेटिव बाहर नहीं आते। ये भी हो गया। साइन 180 माइनस, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, साइन का साइन रहा, बोलो हाँ। और 90 प्लस, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस, 90 प्लस, 90 प्लस, 90 प्लस, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और साइन कॉस चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्या होगा? साइन होगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। जिसे माइनस से माइनस कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो आंसर क्या आ गया हमारा? कॉट स्क्वायर एक्स। ये था हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलिए जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा। यस सर। जिसका नहीं हुआ वो मुझे रोक देना, ठीक है, चाहे मैसेज कर देना या जैसे भी। मेरा नहीं हुआ था, ये समझा दीजिए। नहीं हुआ था, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार को अलग से देखते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस सर। चलिए इस पढ़ने पड़े। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? हेलो, दोनों साइड दिखनी है ना आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हेलो, साथ साथ बोलते चलिए बेटा।
क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों दिख रही है? यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है, बोलते रहिए, मेरे को वॉइस क्लियर रहनी चाहिए सभी की। अब क्वेश्चन में जैसा कि मुझे दिख रहा है 2π + x है, डन। लेफ्ट हैंड साइड जरा ध्यान से देखते चलना, 3π/2 + कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 3π/2 + फोर्थ कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉस चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। होगा तो क्या होगा? साइन। साइन। पॉजिटिव का साइन एक्स। ये मैं जान के पॉजिटिव लगा रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे मैंने करा क्या है। 2π + कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड, नहीं, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और कॉस का कॉस रहता है 2π या पाई का यूज करने पे। याद है? बोलो हाँ। अब कॉट 3π/2 - 3π/2 - कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। और कॉट का क्या रहेगा? टेन, क्योंकि चेंज होता है। और यहाँ पे कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का कॉट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और एज इट इज। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सबसे कॉमन बात है जो हमेशा मैं यूज करता रहूंगा होल लाइफ। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, क्या बोला मैंने? जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ देना। अगेन रिपीट करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ देना। क्लियर है? यस सर। अब इस लाइन को याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। अब टेन कॉट को टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन एक्स अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस। और कोसेक कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन। ये क्लियर है? बोलो हाँ। yes, अब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम जब लूंगा तो साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम आएगा। बोलो हाँ। तो न्यूमरेटर में क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स से कोस एक्स कट गया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? वन। वन आप सभी को याद होगा। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ। क्या टेंथ क्वेश्चन हो गया था? यस सर। यस सर। किसी का डाउट है टेंथ क्वेश्चन? टेंथ क्वेश्चन किसी का डाउट है? नो सर। हो चुका, चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया तो सर। किसका डाउट है सर? मेरा नहीं आता। चलो कोई नहीं, तो देखते हैं एक बार। कॉस 3π/4 - x माइनस कॉस 3π/4 - x और यहाँ पे प्लस एक्स, डन, इज इक्वल टू, सॉल्व करना है को माइनस रूट टू साइन एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने? क्या सभी तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। सभी ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी को याद होगा दो लड़कों में लड़ाई किसकी वजह से होती है? नेगेटिव गर्ल्स की वजह से, नेगेटिव लड़कियों की वजह से। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या था? लड़कों का नाम निशान मिट जाएगा, सिर्फ लड़कियां लड़के आएंगी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला था माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू। सबसे बेहतरीन फॉर्मूला तो यही था, और साइन ए माइनस बी बाई टू। याद है जी? जी हाँ जी। किसी को दिक्कत है क्या करा है मैंने ये? No, तो एल एच एस अगर मैं बात करूं तो एल एच एस में मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ माइनस के टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ए क्या है? 3π/4 प्लस एक्स, और बी है 3π/4 - x। जरा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ए प्लस बी लिखा है। जल्दबाजी में बंदा सोचता है डिवाइड बाई टू नहीं लिखना, डिवाइड बाई टू अपनी जगह है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अगेन 3π/4 + x जब मैं माइनस करूंगा तो बी में दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 3π/4 + x डिवाइड बाय 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अगर आप नोटिस करो बेटा जी तो क्या दिख रहा है? x से x कट गया और 3π/4 से यहां पे 3π/4 कट गया। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे
माइनस के टू के साथ साइन थ्री पाई बाय फोर प्लस थ्री पाई बाय फोर सिक्स पाई बाय फोर डिवाइड बाय टू और साइन टू एक्स अपॉन टू. अब जो है जो मैं लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझना. क्या मैं इसको थ्री पाई बाय फोर लिख सकता हूं और इसको साइन एक्स. ये वाला स्टेप जिसको समझ नहीं आया वो बता देना. 6 पाई बाय 4 का 2 जब डिवाइड होगा 6 डिवाइड होगा क्योंकि 2 के नीचे 1 है. सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाले में इंटू में जाता है. पता है ये बात. बोलो हाँ बोलो हाँ 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 बोलो हाँ. यस सर यस सर. जैसा कि आप सभी को याद होगा मैंने एक दिन एक अभी लास्ट क्लास में जो कराया था इसी जब स्क्रीन पे तो मैंने 4 के मल्टीपल्स ब्रेक करने बताए थे. तो 4 के मल्टीपल्स में 3 पाई के नियरेस्ट कौन आएगा 4 पाई. तो माइनस पाई लिख सकता हूँ. बोलो हाँ यस सर. तो माइनस के 2 साइन 4 पाई के नीचे जब 4 लूंगा तो क्या आएगा. पाई माइनस पाई बाई फोर. पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है. पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है. साइन का जो साइन है वो तो सेम रहेगा. एस आई एन भी सेम रहेगा और पाई बाई फोर. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है. सर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है. सभी प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए. मुझे 3.3 एक्सरसाइज आज एक ही जगह पे फिर से चाहे किसी ने करा है नहीं करा है मुझे एक जगह पे सॉल्व चाहिए पूरी तरह. रफ कॉपी में करो फेयर कॉपी में करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगली क्लास में मैं घुसने नहीं दूंगा. ध्यान रखना मुझे आप स्क्रीनशॉट लेकर के या जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसके पेजेस की पिक क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे. वो भी सिक्वेंस होने चाहिए सारे क्वेश्चन जिससे मुझे ये पता चल सके किसके कौन से डाउट हैं. क्लियर है. प्लीज सीरियसली लेना इस बात को. अच्छा साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है. साइन 1/√2 की वैल्यू 1/√2. अब एक चीज बताओ क्या मैं एक्स अपॉन रूट एक्स को रूट एक्स लिख सकता हूँ. यस सर. 3/√3 को √3 लिख सकता हूँ. यस सर. ऐसे ही 2/√2 को √2 लिख सकता हूँ. यस सर. और ये इनटू था साइड में जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या बचा साइन एक्स. ओ बेटी की जान सेम आंसर आया है. दिख गया. बोलो हाँ. यस सर. दिख रहा है आंसर सेम आया है. क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बोलो हाँ. ये पीडीएफ मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 सर ये करा दो. ठीक है सभी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे. जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिख रहा है आपको. साइन स्क्वायर. देखो एक क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूं एक क्वेश्चन आप करना. ठीक है 12 के जैसा 13 क्वेश्चन है. हाँ तो 13 आप कर लेना. इसका बेटा जी डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है पर खुदा ना खास्ता अगर हमारे से कोई भूल हो जाए तो हम क्या कोई क्वेश्चन वहां पे कोई वो फॉर्मूला याद करने बैठेंगे और या कोई चीटिंग कराने बैठा है. तो हमें बनाना भी आना चाहिए. ठीक है. अब एक चीज बताओ छोटी छोटी बातें आप सभी से पूछता जाऊंगा. मेरे को शो करना है इज इक्वल टू में क्या साइन 2x और साइन 10x. क्वेश्चन सही लिखा है मैंने. बोलो हाँ. बोलो हाँ. यस सर. यस सर सही है. यस सर. बोलो हाँ. यस सर सही है. ठीक है. LHS से RHS लाने की कोशिश करेंगे अब हम. साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बहनें ध्यान दें. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जल्दी जल्दी आंसर दो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी. बेटे की जान सभी को याद है ये वाला. तो साइन 6x प्लस साइन 4x है ना. और साइन 6x माइनस साइन 4x. ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया है. किसको समझ नहीं आया है. आ गया सर. आ गया. अब एक चीज बताओ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद है आप सभी को. साइन ए प्लस साइन बी जब दो लड़के आपस में बतियाती हैं. यस सर. तो मैं याद दिला देता हूँ. जब दो लड़के आपस में बतियाती हैं अपनी बातें तो करेंगी करेंगी और लड़कों की भी करेंगी. तो लड़की पहले राइट. तो 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. याद है. और जिसको याद नहीं है मैं अभी फॉर्मूला आप सभी को याद फिर से करा दूंगा.
क्वेश्चंस खत्म करने के बाद। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, लड़कियां भिड़ गई तो कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, पर बताएंगी जरूर अपनी बातें। तो क्या आएगा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। आया 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 यस सर। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, टेन एक्स अपॉन टू क्या होता है, फाइव एक्स, कॉस टू एक्स अपॉन टू एक्स इंटू टू कॉस फाइव एक्स कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स साइन। हाँ मैंने वही लिखा है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो। और जैसा कि आप सभी ध्यान से देख पा रहे होंगे, टू साइन एक्स कॉस एक्स। ओ टीचर को चीटर बोला है, देख रहे हो सभी, टू साइन फाइव एक्स कॉस फाइव एक्स। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं रेड मार्कर से यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। जल्दी बताओ ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास पढ़ा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, टू साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, टू साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन टू एक्स। आजकल के बच्चे यही तो गलती करते हैं, है ना। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, आप अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, वैसे मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बताओ क्या आएगा इसका, टू साइन फाइव एक्स कॉस फाइव एक्स, टू साइन फाइव एक्स कॉस फाइव एक्स, टू साइन फाइव एक्स कॉस फाइव एक्स टेन एक्स, टेन एक्स। आया 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 आया, बोलो हाँ यस सर, बोलो हाँ बोलो हाँ। चलिए यस सर। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट अब आते हैं थर्टीन क्वेश्चन, आप कर लोगे एक बार ट्राई, यस सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देखो जिसने ट्राई नहीं करे वो ना पूछे, ये क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, तो आप ट्राई करने के बाद दोबारा भी डाउट ले सकते हो। 14 क्वेश्चन, डाउट है किसी का, डोंट फील शाई ओके। क्वेश्चन नंबर 14 डाउट है क्या सर, एक बार आइडिया दे दो इसका। ठीक है मैं आइडिया दे रहा हूँ बस। तो दीदी क्वेश्चन नंबर 14 में साइन 2x है और साइन 6x है, हमेशा छोटे और बड़े को साथ में रखा करो। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। क्लियर है, बोलो हाँ। उसके बाद आपको ना पूरे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन दिखेगी, टू साइन फोर एक्स, टू साइन फोर एक्स जैसे कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में वन प्लस कॉस टू एक्स बचेगा, और वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट क्लास याद कराया था, टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ओके सर। फॉर्मूले से फॉर्मूला अपना बन जाएगा, डन। क्वेश्चन नंबर 15 करना है, नो सर। किसी का कोई डाउट है 15 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नो सर। 16 बता दीजिए एक बार, 16 दीदी, यस सर। कौन बोल रहा है, ये अनन्या या इब्रा सर, इब्रा, इब्रा बेटा, यानी आपकी वाली क्लास मिस हुई भी है, यस सर। ठीक है सुनो जी, फॉर्मूला मैं पहले फॉर्मूला याद कराता हूँ, यानी अब पकड़ बनने की, मतलब तुम्हारी यही वाली क्लास मिस थी। देखो बेटा चार फॉर्मूले होते हैं मर्ज करने के साइन को, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। क्लियर है, ये चार फॉर्मूले याद कर लेना, मैंने इसे इस तरीके से याद कराया था। फॉर्मूले याद है बेटा आपको क्या, ये इब्रा लिखे हुए हैं, तो याद दिलाता हूँ, जब दो लड़कियां आपसे बतियाती है तो पता है ना, दुनिया जहान की बातें करती हैं, अपनी तो बातें करती हैं, लड़कों की भी करती हैं, तो इसलिए साइन वाले फॉर्मूले में लड़का भी आएगा, पर लड़का बाद में आएगा। तो टू साइन कहेगा ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, साइन ए माइनस साइन बी में टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन
ए माइनस बी बाई टू, क्लियर है? जब लड़के में लड़ाई हो तो लड़का पहले, और जब दो लड़के बातें करते तो सिर्फ अपनी अपनी, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और जो दब दो लड़कों में लड़ाई होती है किसकी वजह से, नेगेटिव लड़कियों की वजह से, तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन से मतलब लड़की है और कॉस से मतलब लड़का है, बोलो क्लियर है? बोलो हाँ। तो जीजी क्वेश्चन नंबर को एक बार ध्यान से देखिएगा, कॉस नाइन एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स डिवाइड बाय साइन सेवनटीन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स है, ये क्लियर है? बोलो हाँ। कॉस ए माइनस कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है जैसा कि आपको ठीक ऊपर दिख ही रहा होगा, मतलब दो लड़कों में लड़ाई होती है नेगेटिव लड़कियों की वजह से, तो माइनस के टू साइन ए की जगह आएगा नाइन एक्स, बी की जगह आएगा फाइव एक्स डिवाइड बाई टू, फिर आएगा कॉस नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स डिवाइड बाई टू, ये क्लियर है दीदी क्या कर रहा हूँ? ऐसे डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए क्या है इस वक्त हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17x plus 3x divide by 2 और sin 17x minus 3x divide by 2, क्लियर है? बोलो हाँ। तो मैं इसी पेज पे कर देता हूँ, माइनस के 2 sin 9x plus 5x 14, 14 divide by 2 7x, cos 2x हो जाएगा 9 minus 5 4, 4 divide by 2 2, और 2 cos कितना रहेगा 17 plus 3 10x, और साइन कितना रहेगा 17 माइनस 3 14 7x, क्लियर है? बोलो हाँ। साइन 7x से 7x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो माइनस के क्या आ गया आंसर बेटा, माइनस के कुछ गड़बड़ करिए ना, हाँ जी क्या आ गया आंसर, माइनस के साइन 2x, तो साइन 2x, हाँ वही लिखा हुआ है मैंने, आंसर देखो आया 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 ओके yes, okay. तो बेटा 17th क्वेश्चन इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 18th भी इसी के जैसा है, 19th भी इसी के जैसा है, 20 क्वेश्चन में मैं हिंट दे देता हूँ। अब देखो आप सभी को याद होगा, मैंने उस दिन जब आपसे कराया था तो मैंने फॉर्मूला लिखने के लिए बोला था डिनोमिनेटर वाले में cos square x minus sin square x को, और cos square x minus sin square x क्या होता है, cos 2x, ये याद है बेटा? बस ये चीज मैंने उस दिन एक्स्ट्रा कराई थी, जिस जो आपका डाउट बनना था, तो को क्लियर हो गया होगा, है ना? बोलो हाँ। Yes, तो 21 क्वेश्चन में कैसे करेंगे, पहले छोटे और बड़े को साथ में रखना, फिर कॉमन निकालना, फिर उसके बाद अपने आप ही आंसर आ जाएगा, कर लोगे 21? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 22. 22 में कोई डाउट है? Yes, sir, बता दो। ठीक है जी, बताते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे हैं सभी, देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे हैं सभी, बोलो हाँ देख पा रहे हैं, एक बार बोलो हाँ। Yes, sir. जैसा कि LHS और RHS से कोई लेना देना नहीं है, वी नो दैट, मेरे क्वेश्चन को करने का तरीका समझना, मैंने आपको कॉट का फॉर्मूला याद नहीं कराया है, याद है आपको? तो जिसकी वजह से मैं अब जिस तरीके से कर रहा हूँ, आपको पुराना रिविजन भी रहेगा और क्वेश्चन भी समझ आ रहेगा। एक दिन मैंने क्वेश्चन करा था, मैं याद दिलाता हूँ कौन सा वाला, टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू, पहले आपसे करने के लिए बोला था फिर मैंने कराया था, याद है? ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। हाँ जी, अबे बोलो, हेलो। यस सर याद है, यस सर याद है, यस सर। तो गुमसुम से ना बैठो यार, मुझे भी बताते रहो कि आप पढ़ रहे हो। चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे मैं रेड से कर रहा हूं, 3x को क्या लिखा जा सकता है, 3x को क्या लिखा जा सकता है, 2x plus x, तो यानी कि अगर मैं tan 3x को tan 2x plus x से कहता हूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, तो tan a plus b का फॉर्मूला अनन्या बताएगी हरिद्वार से, हरिद्वार से, हरिद्वार से tan a plus b का फॉर्मूला, हरिद्वार से अनन्या, अनन्या। tan a plus 10b upon में 1 minus tan a 10b। अबे बेटे क्या बात है, तो tan a plus b का फॉर्मूला tan a plus 10b upon 1 minus tan a 10b, पता है ना क्या करा है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर।
जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे टेन थ्री एक्स के साथ वन माइनस टेन टू एक्स और टेन एक्स आ गया, बोलो हाँ यस सर। और टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स अपनी जगह आ गया, बोलो हाँ यस सर। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेन थ्री एक्स माइनस के टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स और टेन एक्स हो गया, टेन थ्री एक्स की लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इंटू कर दी और टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स हो गया, ये क्लियर है। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले गया और इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया तो ये आया, बोलो हाँ यस सर। अब खुद से मैंने क्या करा, टेन थ्री एक्स को टेन थ्री एक्स साइड में टकरा, ठीक है, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स से डिवाइड कर दिया, कोई मना करेगा? हाँ जी, कोई मना कर देगा हैं? क्यों, मैंने ये क्या किया है और क्यों किया है, कोई मना करना चाहेगा इसमें? क्योंकि मैंने बोथ साइड करा है टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स डिवाइड, राइटिंग पे ना जाएं, ये क्लियर है क्या कराया मैंने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख रहे हो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली मैंने आप सभी को करा रखा था, टेन थ्री एक्स से टेन थ्री एक्स कट जाएगा, टेन टू एक्स से टेन टू एक्स कट जाएगा, टेन एक्स से टेन एक्स कट जाएगा, ये तीनों ही कट जाएंगे, क्लियर है। तो जिसमें की टेन का उल्टा क्या होता है क्या होता है क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, कॉट टू एक्स कॉट एक्स कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स और कॉट टू एक्स इज इक्वल टू क्या आया बेटा जी, वन आया, समझ, बोलो हाँ बोलो हाँ। Yes, sir. किसको समझ नहीं आया वो बताए बस मुझे, अब किसको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन वो बताए बस। अब सर हमें ये कैसे याद रहेगा कि इस वाले में 2x plus x करना है और डिवाइड भी करना है? बेटा जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं उनके लिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते रहेंगे ना एक समय बाद याद हो जाएगी। जैसे किसी क्वेश्चन को करते समय, जैसे सुनो किसी क्वेश्चन को करते समय मैं बता दो कैसे याद रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, चलो 18 दिख रहा है, 18 यस सर, 18 क्वेश्चन में न्यूमरेटर में क्या करोगे सर? फॉर्मूला लग जाएगा cos भी ऐसे ही, जैसे फॉर्मूला लग रहा है जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे को हर चीज याद होती जाएगी, ठीक है बेटा, डोंट वरी। cot से स्टार्ट है तो हम सीधा 3x equals to 2x plus x कर सकते हैं फिर? मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, अब डायरेक्ट चाहते तो tan 3x भी लिख सकते थे। हाँ जी किसी को पूछना है ये कौन कर रहा है? मुझे पूछना है सर। हाँ बोलो बेटा, कौन सा वाला स्टेप मार्क कर दो, कोई सा स्टेप पूछना है उसी को मार्क कर दो, मैं वहीं से बता दूंगा। हेलो बोलो भाई, स्पर्श यस सर, पूछना है? नहीं सर आ गया। ओके चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूं आप सभी के साथ, ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज ये हटा लीजिए, 23 क्वेश्चन, ये कौन कर रहा है जरा कोई बताएगा मुझे, क्योंकि फिर मैं बैच से निकाल दूंगा और पेरेंट्स को अलग से बोलूंगा। हाँ जी मैं बाद में चेक कर सकता हूँ ये चीज, इस पर शाप के नाम से दो आ रहे हैं बंदे, अब इब्रा के नाम से तो नहीं, कुछ नहीं, इब्रा बेटा दो नाम से दो आ रहे हैं, सॉरी इब्रा के नाम से दो आ रहे हैं सर, क्या आ रहा है? दो आईडी से लॉगिन कर रखा है अपने, ये दिखा रहा है। नो सर एक ही तो आईडी है। चलो कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे मैं क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा हूं अब,
23 सर मेरे नाम से दो आ रहा है, पता नहीं वो जो भी है छोड़ो, कोई है जो कर रहा है अपने आप ही ये सब, ठीक है बाद में देखेंगे। सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है? यस सर। 23 कर लिया था आप सभी ने? नो सर। तो 23 मैं करके दिखा रहा हूँ LHS से, जरा सभी ध्यान दीजिएगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत कम याद हुआ था तो मैं आपको याद दिलाने के लिए कुछ ऐसे लिख देता हूँ, इसे थीटा प्लस थीटा लिख लेना, और तो क्या लिखोगे आप, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? बोलो हाँ। ये कौन कर रहा है प्लीज एक बार बता दीजिए। सर आप दोनों को बाहर निकाल दो और फिर असली वाले को अंदर ले लेना, ठीक है? असली वाला। एक सेकेंड, तो कौन सा नाम अब सेम आ रहा है? सर मेरा। अबे नाम बोलो। अनन्या सर। सर जिनने कैपिटल में है ना सर, उसको निकाल दो। हाँ वो पता चल रहा है। डन? यस सर। पर ये कैसे हटेगा? हेलो सर, ये तो वही हटा सकता है जो पता है। मीटिंग वैसे भी एंड होने वाली है सर, मीटिंग।